उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के पुत्र द्वारा किसानों के ऊपर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने और इस हादसे में 4 किसानों की मौत होने के 1 वर्ष पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देश भर में इस घटना की बरसी मनाई जा रही है। ग्वालियर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लखीमपुर खीरी में हुई घटना के खिलाफ पुतला दहन किया। इसके साथ ही संयुक्त किसान सभा के पदाधिकारियों ने मांग की कि आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया जाए और मुआवजा भी दिया जाए और उनके आश्रितों को शासकीय नौकरी दी जाए। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में हुए इस प्रदर्शन और पुतला दहन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा। हाँ जी, आज पिछला केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पुतला दहन के था। आज ही के दिन पिछले 1 साल पहले लखीमपुर खीरी के अंदर जो 4 किसानों, एक पत्रकार की, जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उसके लड़के के द्वारा कुचलकर जो किसानों की हत्या की थी उसके विरोध में आज यहाँ पर पुतला जलाया है। और वादा खिलाफी के खिलाफ जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जो किसान 13 महीने से धरने पर बैठे थे उनके खिलाफ जो वायदे किए थे उनको वायदा एक भी मांग की आज तक मंजूर नहीं की, ना ही आज तक दोबारा उन्होंने बैठ के कोई बात की। हम लखीमपुर हत्यारे जो उसके पिता हैं उसको भी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उसके साथ जो हमारे कृषि कार्य का, उसके बाद जो इन्होंने हमारे साथ वायदा किया था कि MFC पे कानून पे गारंटी जो देंगे ना वो दी, ना ही उन्होंने उन परिवारों को नौकरी का आश्वासन दिया था, ना ही मुआवजे का आश्वासन दिया था, किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। इसके विरोध में आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो ज्ञापन और पुतला मोदी सरकार के खिलाफ पुतला जलाया। कहाँ पर जलाया पुतला? आज हमने ग्वालियर जिला कलेक्ट्रेट पर जलवाया है। ग्वालियर, मैं तलविंदर सिंह, किसान सभा का जिलाध्यक्ष ग्वालियर से हूँ।